हाय, आज की ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करके किसी न किसी तरीके का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। अब वो चाहे टीचिंग हो, गेमिंग हो या फिर किसी भी तरीके का ट्यूटोरियल वीडियो ही क्यों ना हो। वैसे इंटरनेट पे आपको कई सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप बहुत ही ईजिली अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उनमें से कुछ आपको पेड मिलेंगे जिनके लिए आपको पे करना पड़ेगा एक भारी अमाउंट, या सस्ते भी मिल जाते हैं और कुछ जो है आपको फ्री भी मिल जाते हैं। अब जो फ्री होते हैं सॉफ्टवेयर्स, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, उनमें कुछ में आपको वाटरमार्क देखने को मिलता है जो कि किसी को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि वाटरमार्क क्या करते हैं, आपके रिकॉर्डिंग एरिया में से 20-50% एरिया कवर कर लेते हैं और फिर मांगते हैं आपसे कुछ पेमेंट अपने उसी वाटरमार्क को हटाने के लिए, जो कि अगेन किसी को भी पसंद नहीं आने वाला। इन्हीं सभी सॉफ्टवेयर के बीच में ये जो OBS स्टूडियो एप्लीकेशन है, ये फ्री होने के साथ साथ आपको देता है एक हाई क्वालिटी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो, वो भी बिना किसी वाटरमार्क के। एक तो फ्री है, फिर हाई क्वालिटी वीडियो भी देता है और तीसरा इसमें कोई भी हमें वाटरमार्क देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मीन्स स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे ही ख़त्म नहीं होता ये सॉफ्टवेयर, इसकी मदद से आप किसी भी मीडिया स्ट्रीमिंग वेबसाइट पे लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विच, ट्विटर जैसे वेबसाइट्स पे आप कभी भी अपने लैपटॉप या पीसी की मदद से लाइव जा सकते हो। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीमिंग फीचर को साइड में रखते हैं और बात करते हैं OBS के कुछ बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स की, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए OBS सॉफ्टवेयर जो है एकदम से नया हो, कभी यूज़ ना किया हो और आप इसे एकदम शुरू से सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मैं ये जो OBS सीरीज़ है इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी ये पहली वीडियो है, आने वाले समय में और भी वीडियोस आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि OBS स्टूडियो एप्लीकेशन क्या है, कैसे डाउनलोड करना है, इंटरफेस कैसा होता है और सबसे मेन इसको यूज़ करके हम एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए ले जाता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। हियर इज माय कंप्यूटर स्क्रीन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि OBS स्टूडियो एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है। इसके लिए आप ओपन कर लीजिए अपना कोई भी वेब ब्राउजर, लेट्स से गूगल क्रोम, और यहाँ पे आपको टाइप करना है OBS, हिट एंटर। यहाँ पे आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगी, पहले ही लिंक है ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर OBS, इस पर क्लिक करते ही ये आपको ले जाएगा OBS स्टूडियो की मेन वेबसाइट पे। ये रहा इसका मेन पेज, ऊपर की तरफ लिखा है OBS ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर और यहाँ पे आपको तीन बटन्स मिल जाएंगी, पहला है विंडोज, macOS एंड लिनक्स। आपके पास जो कोई भी पीसी हो आप उसी बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पे नीचे की तरफ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा ये सॉफ्टवेयर। दिस इज 112 MB सॉफ्टवेयर, तो एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर ही है जिसको एक लो बजट पीसी पे के साथ भी आप चला सकते हैं। इसको मैंने कैंसिल कर दिया है क्योंकि मेरे पीसी में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं कर सकता। फिलहाल अपने वेब ब्राउजर को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और ओपन करते हैं OBS स्टूडियो एप्लीकेशन। Here it is. This is how it looks like. ये रहा इसका इंटरफेस। ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ मेन्यूज हैं, फाइल, एडिट, व्यू, डॉक, प्रोफाइल, सीन कलेक्शन, टूल्स एंड हेल्प। ये आपके लिए जो हेल्प के लिए हैं कुछ सारे मेन्यूज। नीचे आपको एक ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी, ब्लैक रेक्टेंगल है। फिलहाल ये ब्लैंक इसलिए है क्योंकि हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड करते टाइम यहाँ पे हमारा कंटेंट दिख रहा होगा। नीचे की बात करें, नीचे सबसे लेफ्ट में जो रेक्टेंगल है वो है सीन, यहाँ पे हेडिंग पड़ी है सीन। सीन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, जैसे कि अगर आपको कोई भी परफॉर्मेंस देनी है तो उसके लिए एक स्टेज जो है कंपल्सरी है, एक स्टेज एक परफॉर्मेंस। अगर कई सारी परफॉर्मेंस देनी है तो आपके पास कई सारे स्टेजेस भी होने चाहिए, मिनिमम एक स्टेज तो यहाँ पे रहता ही रहता है, आप इसको चाहकर भी हटा नहीं सकते हैं। हटाना चाहना है तो यहाँ पे माइनस पे क्लिक कर देना है। इट इज सेइंग देयर नीड्स टू बी एट लीस्ट वन सीन, क्लिक ऑन ओके। अगर आपको एक से ज़्यादा सीन चाहिए देन क्लिक ऑन प्लस, यहाँ पे नाम दे दीजिए, लेट्स से IT पैराडाइम,
और क्लिक ओके। सो यहाँ पे आप देखिए दो सीन हो गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे दो सीन की ज़रूरत नहीं है। और आप भी एक बेसिक होने के नाते सिंगल सीन में ही काम करेंगे, यही थोड़ा सा इजी रहेगा। तो ये था सीन। इसके बगल में इसी से जुड़ा एक ऑप्शन है सोर्स। सोर्स क्या है कि हमें क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी हैं। क्या हमें सिर्फ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, या उसके साथ साथ माइक भी रिकॉर्ड हो, या कोई इमेज भी आ जाए हमारी वीडियो में, वो आप यहाँ पे सोर्स में देंगे। ओके, तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ है कि हमें रिकॉर्ड करनी है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन, तो उसके लिए ये प्लस बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला है ऑडियो इनपुट कैप्चर, ये जो है माइक के लिए है, अगर आप माइक रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर कोई ब्राउज़र है, आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ब्राउज़र। कलर सोर्स, चाहते हैं कि आपकी पूरी जो स्क्रीन है वो वाइट कलर की दिखे या कोई और कलर दिखे, तो आप कलर सोर्स यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले कैप्चर, डिस्प्ले कैप्चर मीन्स कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन जो है कैप्चर होने लगे। देन अगर आपके पास कोई गेम है तो उसको कैप्चर कर सकते हैं। इमेज, इमेज आप ब्राउज करा के कैप्चर कर सकते हैं। अब सबको रिपीट नहीं कर सकता मैं, फिलहाल एक मैं करके दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरी स्क्रीन में पूरा का पूरा एक ग्रीन कलर आ जाए। कलर सोर्स पे गए, यहाँ पे आपको कोई भी नाम दे देना है, लेट्स से ग्रीन, क्लिक ऑन ओके। नाउ इट इज़ गिविंग मी ऑप्शन टू चूज कलर, तो यहाँ पे सिलेक्ट कलर पे गया मैं, एंड लेट मी चूज ग्रीन एंड क्लिक ऑन ओके। तो अब जो है, अगर मैं अभी स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूँगा तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ ये ग्रीन कलर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हटाने के लिए, सोर्स को हटाने के लिए सोर्स को सिलेक्ट करें, माइनस पे क्लिक करें, एंड देन यस, सोर्स जो है रिमूव हो गया है। अब अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को सोर्स में ऐड करने के लिए क्लिक ऑन प्लस, क्लिक ऑन डिस्प्ले कैप्चर। एक यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर है और एक है विंडो कैप्चर, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। विंडो कैप्चर सिर्फ आपकी किसी एक विंडो को कैप्चर करेगा, लेट से आप एमएस वर्ड सिर्फ रिकॉर्ड करना चाहते हो या एमएस एक्सेल रिकॉर्ड करना चाहते हो तो विंडो कैप्चर, या आप अपनी पूरी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हो, उस पर कुछ भी हो, चाहे गेम खेलो, चाहे एक्सेल यूज़ करो, चाहे वर्ड यूज़ करो, तो आप डिस्प्ले कैप्चर यूज ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। इस पर क्लिक किया, आप इसको नाम दे सकते हैं, लेट्स से स्क्रीन, स्क्रीन लिख के मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, यहाँ पे अपने आप मेरी जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो दिखने लगी। क्लिक ऑन ओके, तो अब देखिए ब्लैक एरिया के बीचों बीच यहाँ पे मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन दिख रही है, और जिस तरह मैं माउस मूव कर रहा हूँ उस स्क्रीन के अंदर भी ये मूव कर रहा है। इसको रिसाइज कर लेते हैं। ये देखिए, अभी अगर मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग करूँगा तो ये ब्लैक एरिया हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग में आएगा, ये ब्लैक एरिया नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे रेड बॉर्डर पे क्लिक एंड ड्रैग के थ्रू हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। अब ये पूरी की पूरी स्क्रीन हमारे पूरे के पूरे कैनवस में रिकॉर्ड होगी। ओके, फिलहाल इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है, इमेज के अंदर इमेज जो है दिख रही है। नेक्स्ट, हमारे कुछ व्यूअर्स को ये भी दिक्कत होगी कि अब माइक जो है रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो माइक भी यहाँ पे हमको सोर्स में ऐड करना पड़ेगा, बिना ऐड किए कुछ भी नहीं होगा। ऐड करने के लिए ऑडियो इनपुट कैप्चर पे क्लिक करना है। ओके, क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे डिवाइस आपको चूज करना है, डिवाइस में गए, यहाँ पे जितने भी आपके पास माइक्रोफोन होंगे वो सारे यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं माइक्रोफोन को यूज़ कर ले रहा हूँ, क्लिक ऑन ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी वॉइस पे ये जो ग्रीन कलर की सीख है वो रिएक्ट कर रही है, मैं जब भी बोलूँगा तो ये जो है ग्रीन कलर का अप एंड डाउन होने लगेगा। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए। सो इसके बाद वाला जो कंपार्टमेंट है वो है ऑडियो मिक्सर। एक यहाँ पे ग्रीन कलर का लिखा है डेस्कटॉप ऑडियो, ये जो है आपका कंप्यूटर की वॉइस है। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर के जो सॉन्ग्स हैं बज रहे हैं या फिर गेम की जो ऑडियो है वो भी रिकॉर्ड हो, तो आप इसको फुल पे रखिए, अदरवाइज इसको म्यूट कर देंगे तो आपके कंप्यूटर की जो
साउंड है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँ। इससे जो है मोटिवेशन मिलती है मुझे आगे वीडियोस बनाने में आप सभी के लिए। आगे बढ़ें तो यहाँ पे है सीन ट्रांजिशन। सीन ट्रांजिशन कब काम आता है? जब हमारे पास एक से ज़्यादा सीन हो। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कभी हम एक से ज़्यादा सीन पे काम कर रहे हैं, तब हमें अगर एक सीन से दूसरे सीन पे जाना हो, लेट मी एड वन मोर, तब हमें अगर सीन वन से सीन टू में जाना हो तो हम जा सकते हैं। लाइक मान लीजिए हमारे पास सीन वन में एमएस एक्सेल रिकॉर्ड हो रहा है और सीन टू में हमारे पास एमएस वर्ड रिकॉर्ड हो रहा है, तो हम दोनों के बीच में स्विच कर सकते हैं। तो ये काम का फीचर है। ये तभी आप यूज़ कर सकते हैं जब आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो। फिलहाल स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इसका कोई भी काम नहीं है, तो मैं सीन वन के साथ काम करता हूँ, मल्टीपल सीन क्रिएट नहीं करता हूँ। तो ये था सीन ट्रांजिशन। इसमें आपको कई सारे ट्रांजिशन मिल जाते हैं, जैसे कि फेड, स्टिंगर, स्लाइड, स्टिंगर टू, स्वाइप, स्लाइड, ये सारे जो हैं ट्रांजिशन हैं। कुछ आप जानते भी होंगे और कुछ आप जान जाओगे। आगे कंट्रोल्स हैं। कंट्रोल्स में पहला ऑप्शन है स्टार्ट स्ट्रीमिंग, जो कि मैं आने वाली किसी एक वीडियो में कवर करूँगा। Then we have start recording and then start virtual camera। हाँ, ये जो OBS Studio application है, इसकी मदद से आप अपने फ़ोन के कैमरे को as a webcam use कर सकते हो। ये मैं आपको आने वाली किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। Then we have here studio mode। Studio mode भी तभी काम आता है जब आप multiple scenes के साथ काम कर रहे हो, तो जो left में जो scene है, ओके, तो मल्टीपल सीन में क्या होता है कि मोर देन वन सीन होते हैं, तो हम बिटवीन द सीन स्विच करते रहते हैं। तो लेफ्ट में हमको वो सीन दिखेगी जो कि स्ट्रीमिंग में नहीं जा रही होगी, जो लाइव स्क्रीन होगी वो हमको राइट साइड में दिखेगी। ओके, मींस राइट साइड में हमको लाइव वीडियो दिखेगी और लेफ्ट साइड में हमारी कोई अदर स्क्रीन जो होगी, अदर सीन जो है दिखेगा। हम दोनों के बीच में कभी भी स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्विक ट्रांजिशन फेड मीन्स यहाँ पे ट्रांजिशन कर सकते हैं। फिलहाल स्टूडियो मोड को बंद कर देते हैं। देन वी हैव सेटिंग्स। सेटिंग्स को भी मैं आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा कि क्या हमारी सेटिंग्स होनी चाहिए वीडियो की, आउटपुट की, ऑडियो की, या फिर हॉटकीज़ क्या क्या हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। सो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले कुछ तो सीख के जाएंगे, तो जल्दी से सीख लेते हैं कि अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो सोर्सेस में आके हमको सिर्फ प्लस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर मैं यूज़ करने वाला हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लिक ऑन ओके एंड अगेन ओके। तो ये हमारा डिस्प्ले कैप्चर होना स्टार्ट हो गया है। अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की है। तो सीन हमारे पास आ गया है, अब हमें ऑडियो भी चाहिए। तो अगेन गो ऑन अंडर सोर्सेस, क्लिक ऑन प्लस, ऑडियो इनपुट कैप्चर, क्लिक ऑन ओके, सिलेक्ट योर माइक। अगर आपके पास मल्टीपल माइक है तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, एंड क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वॉइस भी यहाँ पे इनपुट होने लगा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूँगा, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो 2-3 सेकंड का यहाँ पे सैंपल ले लेते हैं। लेट मी क्लिक ऑन स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, क्लिक करते ही यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया है। थोड़ा सा कुछ, लेट मी गो टू ब्राउज़र, ओपन न्यू टैब, और अब वापस से चलते हैं अपने OBS Studio एप्लीकेशन में, और यहीं पे हमको ऑप्शन मिल जाएगा स्टॉप रिकॉर्डिंग का भी। अब अगर आपको देखना है कि हमारी रिकॉर्डिंग जो है कहाँ जाके सेव हुई है, सो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल मेन्यू में, शो रिकॉर्डिंग्स, और ये आपको उस फोल्डर में ले जाएगा जहाँ पे भी आपकी रिकॉर्डिंग सेव हुई होगी। लेट मी ओपन दिस, इट विल टेक टाइम नाउ। ओके, क्लिक करते ही यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑप्शन आ गया है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड काफ़ी अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हुई है। फुल स्क्रीन कर देंगे तो ये पूरी स्क्रीन में दिख रहा है। वापस से चलते हैं अपने OBS Studio एप्लीकेशन। आवाज इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैंने जो है अपना स्पीकर बंद करके रखा है ताकि डिस्टरबेंस ना हो। इसको करते हैं बंद।
सो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि OBS स्टूडियो की कौन सी सेटिंग्स रखी जाएं कि हमको एकदम बेस्ट रिजल्ट मिले, क्योंकि यहाँ पे कई सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं, आउटपुट, ऑडियो, वीडियो, हॉटकीज, इन सभी को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको बने रहना होगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोज़ बनाने के लिए और आपका भाई लगा रहेगा। That's all. Thank you for watching the full video. See you in my next video. Till then, bye bye. Take care. See you soon.